अखंडता और जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्य हमारे बीच आए थे उनको बचा रखने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबके हाथ में है। उसमें खास तौर से आपकी पार्टी जो हमेशा से आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़कर जिसने डेमोक्रेसी लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता इन सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए जो जो काम किया है ये उसी का परिणाम है कि आज देश में इन सिद्धांतों की एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपके प्रदेश में जो सरकार है आपके प्रदेश की सरकार एक ऐसी पार्टी से जुड़ी है एक ऐसी पार्टी की है जो एक बहुत बड़े संगठन का भाग है और वो संगठन जो है वो धर्म के नाम पर एक राजनीति करके लोगों को बांटना चाहता है। तो मेरे सामने दो प्रकार के विकल्प मैं आपको रखता हूं। एक वो जिसकी बाहर आपकी पार्टी गई है जिसने धर्म जाति भाषा इन सब के ऊपर उठकर एक भारत देश को मजबूत बनाने की कल्पना रखी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे कभी मस्जिद तोड़ी या उसी प्रकार की और राजनीति में लोगों को हिंदू मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन के नाम पर बांटने में लगे हुए हैं। और ये राजनीति ऐसी राजनीति है जो वास्तव में हमारे समाज के विकास को हमारे समाज के प्रगति को पीछे धकेलना चाहती है। मुख्य रूप से हम ये चाहते हैं कि देश में जो गरीब जनता है खासतौर से दलित महिला मजदूर आदिवासी और माइनॉरिटी ये सबका एक इनको बराबरी का दर्जा समाज में मिले ताकि लोकतंत्र का जो मुख्य आधार है लोकतंत्र का मुख्य आधार ये है कि यहाँ सभी लोग पूरी इज्जत के साथ जी सके सभी लोग पूरे सम्मान के साथ जी सके। तो इसमें जो कई सेंध लगाई गई है इन विचारों को जो थोड़ा कमजोर करने की कोशिश की गई है वो धर्म के नाम की राजनीति द्वारा की गई है। मैं अपनी बात की शुरुआत यही करूंगा क्योंकि यहाँ इस राज्य में जो पार्टी है उसी पार्टी के लोगों ने एक बार राम मंदिर का मुद्दा उठाया। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया गया और उसके साथ पूरे देश में भयंकर दंगे हुए। इन दंगों में हिंदू मुसलमान तो क्या मारा गया पर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेगुनाह इंसान मारा गया। हिंदू मुसलमान तो मरता है पर उसके पहले हमारा जो एक बेगुनाह इंसान है वो मारा जाता है। और ये जो राजनीति है जो धर्म का नाम लेती है पर जिसमें धर्म के मूल्य धर्म की नैतिकता नहीं होती ये मैं आपके सामने इस बात को रखने की कोशिश करूंगा। तो दो बातें हमारे सामने आ गई। एक उस प्रकार के संगठन जो पूरे देश को भारतीयता के आधार पे एक करके इसका विकास करना चाहते हैं। दूसरे उस प्रकार के संगठन जिनको आप कहेंगे सांप्रदायिक संगठन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनल पार्टीज। ये कम्युनल पार्टीज जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके राज्य में है ये अकेला नहीं होगा। इनके साथ पार्टी जैसे भाजपा है तो उनके साथ विश्व हिंदू परिषद होगी वनवासी कल्याण आश्रम होगा बजरंग दल होगा और इनका सबका नियंत्रण बैठा है नागपुर में। नागपुर तो आपके काफी करीब है जानते होंगे 400 घंटे का रास्ता है वहां उनका हेड ऑफिस है और आप पहचान लीजिए उसी संगठन के बारे में शायद हरि प्रसाद जी भी आपको इशारा कर रहे थे। वो संगठन आज यहाँ के लोकतंत्र को तोड़कर एक दूसरा राष्ट्र लालच करता है। तो ये सांप्रदायिकता है भारत में सांप्रदायिक राजनीति इसकी शुरुआत कैसे हुई इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहले सदियों से आप जानते होंगे हिंदू भी थे मुसलमान भी थे क्रिश्चियन भी थे। तो इसमें सांप्रदायिक राजनीति धर्म के नाम की राजनीति कैसे आई ये थोड़ा हमें समझ
समझने की जरूरत है। और इसके लिए मैं कुछ आपसे सवाल जवाब भी करूंगा और आपसे कुछ पूछूंगा भी, सही उसका भी आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपको याद होगा मंगल पांडे 1857 की लड़ाई की चिंगारी उन्होंने लगाई, मंगल पांडे ने इसकी चिंगारी लगाई। पर आप बाद में चल के देखिए इस बगावत इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के साथी में कौन थे, तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, यानी हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों को लगा अगर हिंदू मुसलमानों की एकता बनी रही तो यहाँ हमारी सत्ता चल नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने राजनीति जारी, एक पॉलिसी जारी जिस पॉलिसी को आप समझते हैं फूट डालो और राज करो। ये